बारिश में आपको क्या चाहिए बोलो खाने के लिए आज? खाली गरम गरम भजिया मिल जाए तो अच्छा है। खाली भजिया की चाय के साथ? नहीं नहीं, खाली भजिया मिले अच्छा है। अगर भजिया नहीं खाया तो क्या खाया? चलो आज भजिया बना ले। चलिए भजिया बनाने के लिए अभी क्या क्या लगेगा अपने को वो देखते हैं। तो भजिया बनाने के लिए ऐसे भजिए दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल जैसे पकोड़ा होता है वैसे भजिया, और एक जो टिपिकली महाराष्ट्र में चलते हैं ज़्यादातर कांदा भजी जिसको बोलते हैं टिपिकली, वो ऐसे लंबे कांदे के बनते हैं, लाल कलर के बनते हैं और कांदे उसमें लंबे लंबे होते हैं। मेन फ़र्क वो है, एक गोल पकौड़े की तरह भजिया बनते हैं कांदे के और एक लंबे कांदे के भजिया बनते हैं। दोनों में अंदर जो चीज़ें लगती हैं वो सब सेम है, खाली अलग अलग शेप है उसका, अलग अलग खाने के लोगों के ये एरिया के हिसाब से बनाते हैं लोग। तो उसमें लगेगा सबसे पहले मेन लगता है बेसन, बेसन लगता है, हरी मिर्ची, कोथमीर, अजवाइन डालते हैं कई लोग, धनिया होता है धनिया, आखा धनिया, नमक, लाल मिर्ची, और उसको सबको मिक्स करके उसका एक पेस्ट बनाया जाता है, पेस्ट जिससे कि अपन गोल पकोड़े वाले भजिए बनाते हैं। जो पेस्ट सूखा होता है उससे अपन वो लंबे कांदे वाले भजिए बनाते हैं जिसको टिपिकल महाराष्ट्र लोग खाते हैं और जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चलिए देखते हैं अपन दोनों भजिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे, गैस जलाएंगे इसमें और तेल गरम करने को रखेंगे इसमें। ये है जो बैटर बनाया है मैंने, जिसमें बेसन, कांदा, नमक, मिर्ची, धनिया सब इसमें डाल के रखा है। इसको अच्छी तरह से मिला लें, मिक्स कर लें अच्छी तरह से, जैसा आपको चाहिए वैसा गाढ़ा पतला जैसा चाय कर सकते हैं, ज़्यादा पतला नहीं, उतना ध्यान रखें। अच्छी तेल गर्म हो जाए आप ये भजिए इस तरह से गोल गोल करके उसको डाल सकते हैं। कांदे ऐसे लंबे लंबे काटने चाहिए। फिर इसमें सूखा बेसन डालेगा, गीला नहीं। ये इस तरह से सूखे कांदे में सूखा बेसन डालने का। एकदम सही बनाया। ये कांदे के पकोड़े और भजिए। Yeah.